ऐसा लग रहा है भगवान ऊपर से फूल बरसा रहा है। तो चलिए इस बैग के अंदर क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। आगे आप लोग देख पाओगे मेरा ड्रोन कैसे क्रैश हुआ है। रात का जो कैंप का व्यू है देखो कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पातापोरा जो चिकन 150-200 ग्राम करके है। मैं यहाँ पे रुका था पेट्रोल पंप में वॉशरूम करने के लिए और देखो सही वक्त पे मैं रुका हूँ। आप लोग देख सकते हो बीच रास्ते से कैसे इसके अंदर आ गया, देखा। सो गाइस मैं फाइनली आगे चला गया था, मैं साइन बोर्ड को देखा नहीं था। तो यहाँ से मुझे जाना है गुड़गुड़ीपाल जो नेचर कैंप है, देख सकते हो पूरा जंगल के अंदर से मैं जा रहा हूँ। हाय गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ गुड़गुड़ीपाल जो नेचर कैंप आप लोगों को बोल रहा था। तो फ्रेश अप हो चुका हूँ अभी, तो आप लोगों को बाहर का व्यू एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए बाहर का व्यू कुछ इस तरह, कार भी पार्किंग कर सकते हो इस साइड में। तो उधर 2 टेंट है और इस साइड आपका 3 टेंट मिलेगा और मैं जो टेंट में रह रहा हूँ ओरा ये वाला टेंट जो बिजली का सेट है, तो सेट के नीचे टेंट रखा है क्योंकि गर्मी का सीजन में तो इसके ऊपर धूप जो गिरेगा ना वो रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगा, अंदर उतना गर्मी नहीं लगेगा। और यहाँ पे देखिए 2 खिड़की बना हुआ है, नीचे एक है ऊपर एक है, उस साइड भी सेम है। और इधर आप कचरा वगैरह फेंकने के लिए इधर एक डस्टबिन करके रखा है जो है नेचुरल। यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड 2 खिड़की है, तो यहाँ से एयर पास होने के लिए, ऊपर से भी है एयर पास होने के लिए बना है। मेरा रुद्रा इधर खड़ा है छाँव के अंदर, मस्त है। 170 किलोमीटर 180 किलोमीटर जर्नी करके आया है जो टेंट बना है। तो कैसा है आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। मैंने खोल लिया हूँ क्योंकि थोड़ा गर्मी है इस वजह से, यहाँ पे नेट दे के रखा है, मतलब टेंट का ही नेट है, अंदर कोई मच्छर वगैरह नहीं घुस पाएगा। तो अभी तो साफ सफाई है, देख सकते हो इधर मेरा जैकेट है, उधर 2 तकिया है, देख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने बैग रख दिया, वहाँ पे हेलमेट है, टैंक बैग है। तो टेंट का अंदर कुछ इस तरह सा है। तो यहाँ पे देख सकते कैंप का जो रूल्स है रेगुलेशन है यहाँ पे लिखा है, आप लोग पॉज करके देख सकते हो। और इधर से भी खुलता है और टेंट के अंदर आपको एक ब्लैक पॉइंट मिलेगा। अभी पावर ऑन नहीं है, थोड़ी देर बाद आई थिंक पावर आ जाएगा, मतलब शाम को। अच्छा खासा टेंट बना है, बड़ा सा है। और यहाँ पे हवा आने के लिए जो बाहर से आप लोगों को खिड़की दिखाया था इसके लिए बना है। तो ये वाला दूसरा साइड भी मैं खोल लेता हूँ, अच्छा खासा हवा आ जाएगा इसके अंदर। नीचे से भी हो रहा है तो ये वाला बंद करके रखा हूँ, थोड़ा हल्का सा धूप आ रहा है इस वजह से। अभी दिन का टाइम में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रात में थोड़ा टेंट का माहौल कुछ चेंज हो जाता है। तो आने के वक्त ही मुझे वेलकम किट मिला है जो गुड़गुड़ीपाल नेचर कैंप से, देख सकते हो एक बैच मिला है, एक्सपीरियंस एक्सप्रेस एक्सप्लोर देख सकते हो लिखा है। तो चलिए इस बैग के अंदर क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। आते ही मुझे वेलकम किट मिला है गुड़गुड़ीपाल नेचर कैंप पे, तो देख सकते हैं कुछ इस तरह सा है। और उसके साथ मुझे मिला है एक बैजिंग, देख सकते हो। तो चलो इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या मिला है मुझे आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे नेचर को ध्यान में रख के ये चीज़ बनाया गया, पेपर यूज़ किया है। उसके साथ आप लोगों को दिखाता हूँ इसके अंदर वेलकम किट के अंदर क्या है। वेलकम किट के अंदर वाओ एक सोप मिलता है, देख सकते हो। उसके साथ
एक टूथब्रश मिलता है जो है बम्बू टूथब्रश। आप लोगों को खोल के दिखा देता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह सा है। और उसके साथ साथ एक गमछा मिलता है जो यहाँ का ट्रेडिशनल जो गमछा होता है वो आप इसको टावल भी बोल सकते हो। तो वेलकम किट में ये तीनों चीज़ रहता है, तो मुझे आके ही यहाँ पे आके मिला है। तो इस नेचर को एंजॉय करने के लिए और इस वेलकम किट को एंजॉय करने के लिए आपको आना पड़ेगा गुरगुरी पल नेचर कैंप। उसके साथ साथ इस कैंप का जो 360 व्यू है, ड्रोन व्यू है, सब इस कैंप का मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ लंच में क्या है, डिनर में क्या है और ब्रेकफास्ट में क्या है आप लोगों को दिखाऊंगा। ब्लॉग पे बने रहे तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बाहर से एक बार घुमा के आप लोगों को दिखाता हूँ, ब्लॉग पे बने रहे। चलिए तो आ चुके यहाँ का जो अटैच बाथरूम है कुछ इस तरह सा है। तो चलिए इसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। ये देखिए अटैच बाथरूम में कुमोट है, उधर पानी का नल है और इस साइड छोटा सा एक हैंड बेसिंग है। और यहाँ पे मिरर नहीं बोलूँगा, एक फ्लेम होता है, फ्लेम लगा के रखा है जो मिरर का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पानी एकदम ठंडा है, गर्म नहीं है। और ऊपर देखिए शावर है, एकदम पूरा साफ सफाई है, कितना देख सकते हो। और यहाँ पर लॉक सिस्टम भी है। ये जो टेंट आप लेंगे तो उसके साथ आपको अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टेंट के साथ अटैच बाथरूम है। यहाँ का जो पानी है एकदम ठंड रहता है क्योंकि सब मसल से बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए गीजर का भी लाइन किया गया है। तो हाय गाइस, आप लोगों को नेचर के अंदर आके आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। मुझे यहाँ पे सोलो ट्रिप करके बहुत सुकून मिल रहा है। आप लोगों को सोलो ट्रिप करना ज़रूर चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ, इस कैंप को आप अकेला एंजॉय कर पाओगे। देखिए ऊपर नेचर के साथ यहाँ पे सालवन का गाछ लगा है कुछ इस तरह सा। तो चलिए कैंप के अंदर चलते, आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा गुरगुरीपाल नेचर कैंप। तो यहाँ पे बड़ा सा गेट लगा हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं कांटा तारों का यहाँ पे राउंड राउंड करके बना है, क्योंकि इस जंगल में हाथी रहता है। हाथी इस पार से उस पार जाता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसलिए उसके साथ साथ कैंप को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए जो कांटा तार होता है उससे घेर के रखा है। तो यहाँ पे आते ही आप देख सकते हो एक बड़ा सा टेंट, इसके अंदर आपको डिनर सर्व किया जाएगा, लंच सर्व किया जाएगा, देख सकते हो। और ये जो मटेरियल यहाँ पे देख रहे हो पूरा रिसाइकल मटेरियल से बना है, जो डाइनिंग टेबल लंच टेबल बोल सकते हो कुछ इस तरह से बना है चारों तरफ। और यहाँ पे जो कचरा वगैरह फैलने के लिए अलग से जगह बनाया है। यहाँ पे छोटा छोटा टेंट बना के रखा है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 टेंट। और टेंट के लिए कॉमन टॉयलेट उधर है। तो चलिए यहाँ पे खाना बन रहा है, उधर आप लोगों को लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर है और इस साइड जो खाना बन रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए सब्जी रेडी हो रहा है, इस तरह से बन रहा है खाना इधर। वो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड बेसिन है, रिसाइकल मटेरियल से बना के रखा है, टायर है और बेसिन है, स्टील का बर्तन से बना है। साइड में लकड़ियों से खाना बनता है, देखिए अलग से काट के रखा है इधर। और आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, राइड का मज़ा तब तक पूरा होता नहीं जब तक आप लोग ये वाला काम करें। अब नहा के आ चुका हूँ, जो गमछा है बाइक के ऊपर सुखाने दे दिया, अभी राइड का मजा पूरा हो गया। सबके साथ ही होता है, बी नेचुरल। चलिए थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते, लंच पे क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो दोपहर का खाना आ चुका है। खाने में राइस है, यहाँ पे मछली है, ये आपका दाल है और एक मिक्स सब्जी है और बैगन फ्राई है और सैलड है और नींबू है। चलो खाने को स्टार्ट करते हैं। पहले ही थोड़ा राइस ले लेते, उसके बाद जो दाल बना है दाल लेते।
तो चलो दाल को खा के दिखाते हैं कैसा बना है। अच्छा बना है। इसके साथ थोड़ा सब्जी लेते हैं, एकदम घर का खाना। यहाँ पे आपको रुई का मछली दिया है, देख सकते हो। इसको टेस्ट करके देखते कैसा है। अच्छा बना है। तो चलो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। A few moments later. Hi guys, अभी टाइम हो रहा है 4:07 हो चुका है। अभी जा रहा हूँ दीप का जो सनसेट पॉइंट है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं यहाँ से 9.8 किलोमीटर लगेगा वहाँ पे जाने का रास्ता है, और मैं अभी जा रहा हूँ जंगल के अंदर से। बहुत मज़ा आ रहा है, सोलो राइड कर रहा हूँ तो इसलिए अच्छा खासा मज़ा आ रहा है, क्योंकि किसी के लिए रोकना नहीं पड़ रहा है। मिट्टी का जो सड़क है इसके ऊपर मैं सैडलिंग करते हुए जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी जा रहा हूँ मैं सनसेट पॉइंट पे, जहाँ पे कोंगसेवती नदी है उसके ऊपर एक ब्रिज बना है। चलते, अच्छा खासा व्यू भी मिलेगा मुझे, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। But they never really understand me. I need a comma like I need a granny. She likes the flow with the designer panties. Yeah, we eat the penny, check the pantry from the sound waves to the rebel lines. तभी दोपहर का खाना खा के थोड़ा रेस्ट करने के लिए मैं सो गया था। उसके बाद अभी मैं निकल पड़ा हूँ मेरा अगला डेस्टिनेशन में जाने के लिए। तो लंच वगैरह सब सही था, एकदम घर का खाना है। कोई उतना ज़्यादा जो रीच नहीं है, मसाला ज़्यादा नहीं है, एकदम परफेक्ट है। जैसे आप लोग घर का खाना खाते हो वैसे ही बनाता है इधर। यहाँ पे आके मुझे अच्छा लगा, और उससे और भी अच्छा लग रहा है सोलो ट्रिप करके। ऊपर देखो सूरज देवता विराजमान है, और नीचे हरियाली खेती देख सकते हो। कितना सुकून मिल रहा है देख के। पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैम, सिग्नल छोड़ के आप लोग 2-3 दिन के लिए यहाँ पे आ सकते हो, आप लोगों को अच्छा लगेगा। फाइनली आ पहुँचा हूँ जो चुप का सनसेट पॉइंट है वहाँ पे। फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे सनसेट देखने के लिए, हर कोई आता है इस साइड। सो फिलहाल मैं आ पहुँचा हूँ यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ऊपर है सूरज देवता, और नीचे से जा रहा है कोंगसेवती नदी, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए बाइक को साइड में रखते, उसके बाद यहाँ से निकलते। थोड़ा ड्रोन शॉट चाहिए ना आप लोगों को, ऊपर से व्यू भी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए
लोगों को दिखाया ड्रोन शॉट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और ये रहा सनसेट पॉइंट, और जो नीचे से नदी जा रहा है वो है कोंकशवती नदी। उस पर जाने के लिए बोल रहे 20 रुपये लगेगा और आने जाने में 40 रुपये लगेगा, तो उस पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ से आप लोगों को घुमा के दिखा देता हूँ। ये जो नदी है कोंकशवती नदी, अभी शांत है क्योंकि विंटर का सीज़न चल रहा है इस वजह से, तो बाद में आपको यहाँ पे जुआर मिलेगा। अभी तो भाटा है पूरा, देख सकते हो एकदम स्वीट सा स्माइल लेके सूरज देवता विराजमान है। और आज का सनसेट पॉइंट ये रहा, तो चलिए अभी यहाँ से निकलते आगे बढ़ते। सनसेट पॉइंट से लौट चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो हल्का उजाला है, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को ड्रोन शॉट दिखाता हूँ कैंप के अंदर जाके, ठीक है। जगह तो मस्त है, सुबह का व्यू भी आप लोगों को कल मिलेगा। आगे आप लोग देख पाओगे मेरा ड्रोन कैसे क्रैश हुआ है। तो हाय गाइस, आप लोग देख सकते हैं गुरगुरीपाल नेचर कैंप का इवनिंग का व्यू कुछ इस तरह सा है। साइड में लाइट वगैरह जल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और ये रहा पूरा घना जंगल साल गाछ का। आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना, और इवनिंग व्यू आप लोगों को गुरगुरीपाल नेचर कैंप का व्यू कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। तो विनिंग के लिए स्नैक्स बन रहा है, पकौड़ा बन रहा है, उसके साथ मूढ़ी मिलेगा। और इस साइड आप लोगों को दिखाता हूँ जो पातापोरा चिकन है, यहाँ पे प्रिपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पातापोरा जो चिकन है 150-200 ग्राम करके है, और यहाँ पे पैकिंग हो रहा है कुछ इस तरह सा। दादा लोग ने पैकिंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देख सकते हैं पानी गरम किया जा रहा है राइस के लिए, और उधर तेल गरम हो रहा है, पकोड़ा बन रहा है, इवनिंग स्नैक्स जो मूढ़ी के साथ खाया जाएगा, प्याज का पकोड़ा। तो आप लोग देख सकते हैं चाय मिल चुका है जो है ब्लैक टी। मैंने इसके ऊपर नींबू और रॉक सॉल्ट है उसको डाल दिया है, तो अभी इसको पीने वाला हूँ। तो कैसा है आप लोगों को बताता हूँ चाय का चुस्का। अच्छा बना लिया मैंने, आप लोगों को दिखाया कैसे पकौड़ा बन रहा है। उधर मूढ़ी से साफ किया जाएगा, तो कुछ देर बाद इवनिंग स्नैक्स है। और रात का व्यू मतलब इवनिंग का व्यू कुछ इस तरह से है, आप लोग देख सकते हो। सुकून लग रहा है, एकदम शांत परिवेश है जो सिटी से बाहर है एकदम, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके एक दिन के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे इधर, इवनिंग स्नैक्स आते आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो तब तक ब्लॉग पे बने रहे। इवनिंग का व्यू कुछ इस तरह सा है कैंप का व्यू, तो चलिए कैंप के अंदर का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो सुबह आप लोगों को दिखाया था मॉर्निंग का व्यू कैंप के अंदर, तो अभी इवनिंग का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए लाइट वगैरह जल रहा है, पूरा सेंसर से ही जल रहा है, और यहाँ पे भी देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है फायर सेफ्टी के लिए, यहाँ पे दे के रखा है। तो चलिए अंदर चलते, जूता इधर खोल लेते, तो देख सकते हो अभी अंदर चलते। अंदर थोड़ा मेसी है, देख लेना, यहाँ पे जैकेट वगैरह है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी आप लोगों को यहाँ से ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, कुछ इस तरह सा है ऊपर का व्यू।
जो बंबू है उसको काट के अंदर से लाइट को भरा गया है, कुछ इस तरह सा लग रहा है। देखिए तो आप लोगों को टेंट का व्यू कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सब गैजेट वगैरह चार्जिंग हो रहा है। A few moments later, यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन किया जा रहा है जो पातापोरा चिकन है उसके लिए, और साथ साथ बोन फायर होगा। तो आप लोगों को बोल रहा था जो पातापोरा जो चिकन बन रहा है तो अभी प्रिपरेशन किया जा रहा है कुछ इस तरह सा। देखिए आग के ऊपर डाला गया है। हाय गाइस, अभी आप लोग देख सकते हैं रात के डिनर बन रहा है, चिकन बन रहा है, लकड़ियों का आँच से ही बन रहा है चिकन। किस तरह से बन रहा है आप लोगों को दिखाता हूँ। और उस साइड आपका राइस बन रहा है। फाइनली मेरे पास आ चुका है इवनिंग का स्नैक्स। आप देख सकते पकौड़ा है, प्याज का पकौड़ा है, खीरा है, मिर्ची है, प्याज है और मूढ़ी है जो हाथों से बनाया हुआ है यहाँ का। चलिए आप लोगों को पकौड़ों को खा के दिखाता हूँ कैसे बनाए, तो मेरे साथ साथ आप लोग भी खा लीजिए। सबसे अच्छा बनाया, एकदम बेस्ट, बढ़िया, लाजवाब। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 7:35 हो चुका है और इवनिंग का जो पातापोरा चिकन आप लोगों को दिखा रहा था वो बन के आ चुका है मेरे पास। कुछ इस तरह सा दिखता है पातापोरा चिकन। तो इसको टेस्ट करते आप लोगों को बताता हूँ कैसे बना है, ठीक है। एकदम बढ़िया बनाया जो पातापोरा चिकन है। इसका स्वाद, इसका टेस्ट कुछ अलग लेवल का ही है। आप लोग यहाँ पे जब तक नहीं आओगे ना इसका टेस्ट आप लोगों को पता नहीं चलेगा। नेचर के साथ पूरा परफेक्ट है पातापोरा चिकन, थम्स अप। अभी मैं टेंट से बाहर आया हूँ, आप लोगों को एक चीज दिखाना था इसलिए चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे ठंड लग रहा है, बहुत जोर से हवा चल रहा है। रात का जो कैंप का व्यू है देखो कितना मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया जगह मैं चूज किया हूँ सोलो राइड के लिए। तो सोलो राइड के लिए तो इस जगह सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ पे नहीं आता तो बहुत मिस करता, क्योंकि बहुत दिनों से प्लान हो रहा था मैं आऊँगा गुरगुरीपाल जो नेचर कैंप है, तो बहुत दिनों से प्लान हो रहा था, फाइनली आज पूरा हो चुका है। वाव, साउंड सुनो, सिर्फ एक बार साउंड सुनो पत्ते का। वाव, देखो ऐसा लग रहा है बारिश हो रहा है, ऐसा व्यू आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा है भगवान ऊपर से फूल बरसा रहा है। आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे रोटी बनाया जा रहा है, लकड़ियों के आँच से बन रहा है रोटी। देखिए तो गाइस आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना, और नाइट का व्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर बताना। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:20 हो चुका है, तो रात हो चुका है। तो आप लोगों को तब बोल रहा था तो पत्ते गिर रहा था, ऐसा लग रहा है बारिश हो रहा है, तो अभी सचमुच का बारिश गिर रहा है। आप देख सकते हो सच में बारिश हो रहा है, तो अभी ठंड लगेगा, ठंडा वेदर है, देख सकते हो हल्का फुल्का बारिश गिर रहा है। यहाँ पे कितना जस्टिफाई हो रहा है पता नहीं, पर मस्त वेदर है। दोपहर को बहुत गर्मी था, अभी ठंड रहेगा रात को। मैं तो रेन लाइनर लेके नहीं आया, पता नहीं सुबह क्या हालत होगा। आई थिंक बारिश नहीं होगा तो आराम से निकल जाएंगे। सो गाइस, अभी टाइम आ चुका है डिनर करने का। अभी घड़ी में बज रहा है 10:20 हो चुका है, तो भूख भी लगी है, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ रात के डिनर में क्या है। रोटी है, चिकन है, यहाँ पे आलू भजा है और सलाद है। तो रोटी के साथ चिकन खा के आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा खाने में बना है। तो देख सकते हो अच्छा बना है,
थोड़ा सॉल्टी है क्योंकि मैं नमक कम खाता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा सॉल्टी लग रहा है। चलो इसको फिनिश करते, आप लोगों से बात करते थोड़ी देर बाद। तो गाइस फाइनली मेरा डिनर हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ रुद्रा को पार्क करने के लिए वहाँ पे टेंट के अंदर, क्योंकि बहुत जोर से बारिश हो रहा है इस वजह से। तो चलो। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:05 और सब कुछ डन हो चुका है, डिनर भी कंप्लीट हो चुका है। रुद्रा को सिंपली मैं पार्क कर दिया हूँ। अभी भी बारिश हो रहा है बाहर, आप लोगों को शायद सुनाई दे रहा है। अभी टाइम है सोने का, तो आप लोगों से मिलते सुबह को, एक अच्छा सा व्यू लेके आप लोगों से बात करते सुबह। तो चलिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, एक नई दिन पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आप लोग देख सकते हो सनराइज हो रहा है कुछ इस तरह सा, और सुबह का यहाँ का वेदर आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे सनराइज हो रहा है और सुबह सुबह यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह सा है। गेट बना है, आप इधर से जा सकोगे उस पार, और यहाँ पे खेती वगैरह हो रहा है। यहाँ पे देखिए बैगन का खेती हो रहा है और उधर मिर्ची का, और यहाँ पे सरसों का खेती हो रहा था, तो सरसों का खेती हो चुका है। तो चलिए अंदर चलते, सुबह का चाय पीते आप लोगों के साथ बात करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, अभी सुबह का चाय मिल चुका है, जो ये ब्लैक टी आप लोग देख सकते हो, और सुबह का टेन देखिए कुछ इस तरह सा है। कल रात को बहुत जोर से बारिश हो रहा है, और यहाँ पे देखो ये वाला जो कैंप है पेट फैल रही है। सो गाइस, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, अभी फिलहाल बज रहा है 8:30। तो चलिए ब्रेकफास्ट में क्या है आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हो पूरी है, सब्जी है, मिठाई है और बॉयल एग है, इसके साथ साथ एक मिर्चा दिया है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। आई गेस अभी दादा को बोला है टेंट को खोल के दिखाने के लिए, तो इसका क्या प्राइस है आप लोगों को बताता हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए टेंट का साइज कुछ इस तरह सा है, आई थिंक 2% के लिए इनफ है। और वहाँ पे आप देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट है, और यहाँ पे तकिया वगैरह है। 6 टेंट है, और मंडे टू फ्राइडे इसका प्राइस है 1300, फ्राइडे टू संडे इसका प्राइस हो जाता है 1500। सो गाइस, अभी मैं रेडी हो चुका हूँ गुरगुरीपाल जो नेचर कैंप से मैं निकल रहा हूँ। तो लास्ट व्यू ऑफ गुरगुरीपाल नेचर कैंप देख सकते हो, पूरी तरह से खाली खाली सा हो चुका है। तो चलिए अभी निकलते हैं घर की तरफ। फाइनली निकल चुका हूँ गुरगुरीपाल नेचर कैंप से, तो आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लास्ट व्यू ऑफ गुरगुरीपाल नेचर कैंप। मैं यहाँ पे रुका था पेट्रोल पंप में वॉशरूम करने के लिए, और देखो सही वक्त पे मैं रुका हूँ। आप लोग देख सकते हो बीच रास्ते से कैसे इसके अंदर आ गया, देखा। लोगों को एक काम करना है, जब जब राइड करोगे ना तब एक बार रुक के बाइक को चेक कर लेना। हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू चलाते हैं तो बाइक में ध्यान नहीं देते, देखा, और थोड़ी देर बाद आगे जाके पूरा प्रॉब्लम हो जाता है, पूरे डिस्क के अंदर घुस जाता तो प्रॉब्लम हो जाता। सही वक्त पे मैं रुका हूँ। तो चलो यही अपडेट देना था। तो यहाँ से लगभग मुझे जाना है 88 किलोमीटर। तो आई होप गुरगुरीपाल जो नेचर कैंप है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।
और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब कभी मेरे चैनल पे वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एज ऑलवेज दिस इज दीप साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू एंड कीप चेज योर ड्रीम।